हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैट एग्जाम्स के बारे में। मैट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, सिलेबस, आईबीटी, सीबीटी, पीबीटी, हर एक टॉपिक में मैंने वीडियो डाला है, ठीक है। कितना मार्क्स अगर ले आते हैं तो कितना परसेंटेज आपका स्कोर होगा, ठीक है। क्यों परसेंटेज डाउन जाता है कभी कभी, क्यों आ पाता है, तो मैं इस टॉपिक पर आप लोगों के लिए मैं वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली आपका, इसमें आप अगर ग्रेजुएट हो, आप अगर फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। चाहे आप कोई भी ब्रांच से आप आते हो, कोई भी ब्रांच से आप आते हो, आप अगर ग्रेजुएट किया है आपने तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसका एग्ज़ाम साल में तीन चार बार एग्ज़ाम होता है इसका, चार बार। एक होता है फरवरी में होता है एक, ठीक है, उसका मई में होता है, उसका सितंबर में होता है, उसके बाद दिसंबर में होता है। तो मैं हर एक टॉपिक में मैं वीडियो डाल चुका हूँ, हर एक टाइम जब भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो आप कभी इस सेशन में से कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हो। तो बेसिकली आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो, अभी फरवरी महीने का जो सेशन चल रहा है अभी, उसके रिलेटेड आपका एडमिशन चालू है, मीन्स फॉर्म फिलअप चालू है। एडमिशन चालू हो जाएगा, मैं तब वीडियो डाल दूंगा जब एडमिशन चालू होगा, जब भी, ठीक। तो इसमें मैंने बताया क्या कुछ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इससे रिलेटेड आप ज़्यादा का जानकारी चाहते हैं तो मुझे जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं। बेसिकली आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आपने कोई भी डिग्री किया है लाइक CA, IC, WACS और कोई भी, ठीक है। और आपका जब भी आप अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट, जो मैं कुछ टाइम पहले बताया, तो फाइनल स्टूडेंट्स आप अगर हो तो आपका मार्कशीट बिफोर एडमिशन से पहले पहले आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक। आप कोई भी इंस्टीट्यूशन से पढ़ सकते हो, चाहे वो CGPA में आना चाहिए या वो 3 ईयर्स जो परसेंटेज होता है, ठीक है, या ग्रेड में कुछ भी, आप किसी भी में आपका एग्ज़ाम जो है आपका एडमिशन्स, मीन्स आप इसके लिए एलिजिबल हो, मीन्स आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले देखो अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जो है उसको आप मतलब प्रॉपर देना, जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे, मीन्स उसी में जो है आपको सब कुछ डिटेल्स आता ही रहेगा जब भी एडमिट कार्ड रिलीज होता है मेल में, ठीक है, या कुछ भी अपडेट आता है तो मेल या आपको आपका मोबाइल नंबर पे मैसेज भेज दिया जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।